हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ स्टडी थ्री बाय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ और आज के इस वीडियो में आप सभी को बतलाएंगे कि आधार नंबर से किसी भी बैंक का पासबुक प्रिंट अपने मोबाइल से कैसे निकालेंगे। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को बने रहिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखिएगा। उसके बाद इस वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी से बता दें कि जो यह वेबसाइट है 100% रियल वेबसाइट है और इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। जब लिंक को ओपन कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा APS का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपको मिनी स्टेटमेंट निकालना है तो यहाँ पर फर्स्ट में विड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा, दूसरे में मिनी स्टेटमेंट का, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद नीचे देख सकते हैं, अगर आप आधार नंबर से मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आधार नंबर डालना है। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ सिलेक्ट बैंक का ऑप्शन है, तो यहाँ से बैंक को सर्च कर लेना है कौन सा बैंक है आपका। और नीचे आइएगा तो दो ऑप्शन है, एक बैलेंस इंक्वायरी का है, एक मिनी स्टेटमेंट का है। तो अगर आपको बैलेंस इंक्वायरी करना है तो बैलेंस इंक्वायरी पर क्लिक कीजिएगा, मिनी स्टेटमेंट करना है तो मिनी स्टेटमेंट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो कैप्चर पर क्लिक करना है। उसके बाद अपने थंब को रखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जितना भी आप जो लेन देन किए हैं यहाँ पर जो इसका स्टेटमेंट है यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अपने किसी भी बैंक का जो स्टेटमेंट या पासबुक का प्रिंट अपने मोबाइल से निकाल सकते हैं। चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ।